मैं टीवी पर कार्टून्स ही देख लेती हूँ।
समझ गई। अब इसे कहते हैं एक असली फिल्म। В совещании политического консультанта. Нет. Кетна боринг. Yeah.
अरे वाह, तो अब कोई भी डरावनी सीरियल मुझे डरा नहीं पाएगी। Ah!
करते हो इस तरह। तुम करते रहो और मैं घर को सजाना शुरू कर देती हूँ। छोटे बच्चे को पालने का सही तरीका नहीं है और मैं कह रही हूँ ये मेरा बच्चा है, मैं अपना बच्चा जैसे चाहूँगी वैसे पालूंगी। ये एक बच्चे को खाना खिलाने का सही तरीका नहीं है और मुझे पता है मेरे बच्चे को यही खाना सबसे अच्छा लगता है। ओह, मेरा छोटा बच्चा कहाँ भाग गया? मैं यही कह रही थी, छोटे बच्चे ऐसी माँ से दूर नहीं भागते जो उनका ख्याल रखती है। मेरा मानना है कि बच्चे को सिर्फ खाना खिलाना काफी नहीं होता, बच्चे को पढ़ना, पेंट करना और गाना सिखाना भी बहुत जरूरी होता है। और मेरा मानना है कि बच्चे को खाना खिलाना ही सबसे ज्यादा जरूरी होता है। आहा! देखा ना, मेरा बच्चा बिना सिखाए ही पढ़ने लग गया। अब बस करो, अब बहुत हुई पढ़ाई, अब हम बच्चे को खाना खिलाएंगे, फिर हम इसे सुलाएंगे और हम फिर से इसे खाना खिलाएंगे। ओह, ये क्या, तुम्हारी मम्मी ने कितनी मेहनत से तुम्हारे लिए ये खाना बनाया और तुम्हें ये नहीं चाहिए? तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? अरे वाह, हम बनेंगे सिपाही। पैर, क्या हम ये कर सकते हैं? वाह, उसने हाँ कह दिया, हम सब सिपाही बनेंगे अभी इसी वक्त। जूते, ग्लव्स, टोपी, पंख पहने हुए लग रहे हैं मस्केटियर्स। लो हम चले, दुश्मन होंगे पल में गुल हमारे, आज देख लेंगे जब वो मेरी रंग भरी मुस्ताज। मैं कर दूं सबको इम्प्रेस, फिर चाहे जो भी हो और पाऊं बड़ी सक्सेस, खेल ये जीतूं जो। Thank you.
तुम्हारे लिए ये सब पहुंचा देंगे। सिपाहियों, चलो चले। हे, चलो चलो, थोड़ा तेज चलाओ। तुम सब मेरे पीछे आओ। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम हमारी इंचार्ज हो? एक तो मैं यहाँ सबसे खास हूँ इसलिए, और इसलिए भी क्योंकि मैं महान योद्धा हूँ, समझी मैडम? कौन? कौन हो फिर से कहना तो? मैं हूँ एक हीरो, और तुम बताओ तुम कौन हो? और तुम कौन हो? ओ, तो तुम्हें ऐसा लगता है, पर मैं कहती हूँ तुम वो नहीं हो। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल हूँ, मुझ जैसा यहाँ कोई नहीं। तुम जैसा निकम्मा कोई नहीं। ऐसा कहने वाली तुम कौन होती हो? चुप रहो। तुम चुप रहो। तुम हो कौन? कोई नहीं। और तुम कौन हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम कहाँ जा रहे हो? जरा हमें देखो, हम क्या कर रहे हैं? बैर इंतजार कर रहा है और हम यहाँ लड़ाई कर रहे हैं। तुम सही हो, हम सब एक जैसे सिपाही हैं। सारे प्रेजेंट्स कहाँ हैं? और हमारा चौथा साथी कहाँ चला गया? वो जरूर अकेले दुश्मन का सामना कर रहा होगा। चलो चलकर अपने साथी की मदद करें। हे, जरा सुनो, क्या तुमने यहाँ से एक सिपाही को जाते हुए देखा? तुमने उसे देखा? उसके बाद यहाँ क्या हुआ? वो है एक असली महान योद्धा। देखा ना, मेरा बच्चा एक असली हीरो बन गया। और तुमने कहा था मैं सब कुछ गलत कर रही हूँ। हे, मिस्टर, अपने पंजे दूर रखो। मस्केटियर्स कहते उनका सीक्रेट ये, हिम्मत है जरूरी ज्यादा ड्रेसिंग से। कर लो अपने हाथों को फिर तैयार, जब उठाओ तुम वो अपनी हिम्मत तलवार। जो हो साथ हम बढ़ते जाएं, जो हो अलग गिर जाएं। आओ एक दूसरे के लिए अपने हाथ बढ़ाएं। आओ मेरे सिपाही दोस्त, अंदर आ जाओ। सर्कस में भी ऐसा ही करते हैं। क्या तुम मुझे ये करना सिखाओगी? हाँ, कोई बात नहीं। ओह, बैर मुझे सिखा देगा। बैर, बर्फ बहुत चिकनी है और मैं स्केट नहीं कर पा रही। ये फिर से सो रहा है। तुम
तुम हमेशा सोते ही रहते हो। चलो उठो। आहा। जरा देखे तो वो अपने स्केट्स कहाँ रखता है। ओ वाओ। या। ओए। हाँ, इनसे काम चल जाएगा। चलो, एक काम हो गया। ये कितना भारी है, ना जाने क्या खाता है। ये पूरे विंटर बस सोता ही रहेगा और एक बार भी स्केटिंग नहीं करेगा। चाहे जो हो जाए, हम स्केटिंग करके ही रहेंगे। उप्स। स्केटिंग हो जाए प्लीज। बर्फ की चादर नदी पर, वो चमके जैसे मिरर। सब कांपे घर के अंदर, बच्चे खेलने आ गए। वो पहने स्केट्स और भागे, कोई पीछे और कोई आगे। फिर वो खुल कर ऐसे नाचे कर ब्यूटीफुल बैले। हवा में चमके, देखो तारों में। हिम्मत दिखाओ जाके, घर तुम्हें खेलना है ये खेल। आड़े टेढ़े रस्तों से जाकर मिलो दोस्तों से। पहले सीखो देखो मैं कर पा रही हूँ ये तुम ये खेल। गाना तुम धुन प्यारी बजाना, आओ मिलकर नाचे गाए मनाए ये त्योहार। बच्चे खेले मजे से, वो खुश हो जाए ऐसे। वो ना करे रस्ते अपना बेस्ट वो घूमे लहराए। तो बताओ मेडल कहाँ से लेना है? पता नहीं सारे कार्टून्स कहाँ छुप गए हैं।
चलो जांच शुरू करते हैं। एक दो तीन और चार पाँच छः, ढूंढो जो कार्टून अच्छे। माइक्रोफोन में तुम कहो माशा एंड द बेयर मिले। चलो समझ गए नन्हे गुरु, अब आप भी हो जाओ